हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे आज का जो वीडियो है उसका टाइटल देख के आपको पता चल गया है कि आज मैं आपसे कौन सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सब ऐसा सोचते हैं कि जब हम स्कूल जाए, कॉलेज जाए या फिर हम वर्क पे जाए तो हम अच्छे लगे, सिंपल और ब्यूटीफुल लगे, हमारी स्किन ग्लोइंग लगे। तो उसके लिए बहुत सारा मेकअप अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है और शॉर्ट्स कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत सारा मेकअप अप्लाई करें तो ही हम ब्यूटीफुल लग सकते हैं। हम नेचुरल मेकअप में भी ब्यूटीफुल लग सकते हैं, लेकिन साथ में हमें स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना है और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। तो आज मैं आपसे वो सारे स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ये वाला जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है या फिर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छा वाला फेस वॉश यूज़ कीजिए। दोस्तों, आप सोप कभी भी यूज़ मत कीजिए क्योंकि ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और डल कर देता है। इससे अच्छा आप एक अच्छा वाला फेस वॉश खरीद लीजिए। फेस वॉश को आप 2 मिनट तक जेंटली फेस पर रब कीजिए, उसके बाद लुकवॉर्म वाटर की हेल्प से फेस को वॉश कीजिए और फेस को क्लीन करने के लिए ऑलवेज माइक्रोफैब्रिक क्लोथ का ही यूज़ कीजिए। दोस्तों, हमें हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लोइंग लगे, आपकी बॉडी फिट रहे, तो आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। तो एक्सरसाइज के लिए आप 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग में ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। तो आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप वॉकिंग कीजिए या फिर आप रनिंग कीजिए और उसके बाद आप स्कीपिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारी बॉडी फिट रहेगी, हमारी स्किन ग्लोइंग रहेगी और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो गाइज, प्रीटी और ब्यूटीफुल लगने के लिए स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आप एक अच्छा वाला टोनर और एक अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र खरीद लीजिए। टोनर आपकी स्किन को टाइट रखने में हेल्प करेगा और एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा उसे रिमूव करेगा, और जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, ग्लोइंग रखेगा। तो ये वाला स्टेप आप डेली फॉलो कीजिए, ये वाला स्टेप आप कभी भी मत स्किप कीजिए। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, अच्छे दिखने के लिए मेकअप भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप कंसीलर ले लीजिए और जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप कंसीलर को अप्लाई कर लीजिए और स्पॉन्ज की हेल्प से इसे अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए जिससे आपका जो फेस है वो इवन लगे। उसके बाद आप लूज़ पाउडर अप्लाई कर दीजिए। लूज़ पाउडर आपकी स्किन को, आपका जो मेकअप है उसे लॉन्ग लास्टिंग रखने में हेल्प करेगा। तो आप पूरे फेस पे भी लूज़ पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्राउन्ज़र अप्लाई कर लीजिए जिससे आपका फेस एकदम नेचुरल लगेगा। तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ब्राउन्ज़र अप्लाई करने से आपका जो मेकअप होगा वो नेचुरल लगेगा, तो आप ब्राउन्ज़र ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी दोस्तों, ब्राउन्ज़र अप्लाई करने से आपका फेस बहुत ही नेचुरल लगेगा। उसके बाद आपको एक नेचुरल सी लिप कलर अप्लाई करना है। आप न्यूड कलर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों, अच्छे दिखने के लिए कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे आपको कहा कि शॉर्ट्स कपड़े में ही आप कूल लग सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं। लेकिन आप ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। और हाँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमें ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं, कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से ही हम खूबसूरत लगेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे, आप इसमें अट्रैक्टिव लगे, वैसे कपड़े आप पहनिए। वैसे कपड़े आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाली टिप भी आप ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों, ये वाला स्टेप भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी के पास से गुजरते हो और आपकी बॉडी से एक ख़राब सी बदबू आती है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हम सब जानते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक अच्छा वाला परफ्यूम खरीद लीजिए। अगर आपके पास नहीं हो तो एक माइल्ड सा परफ्यूम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगा वाला परफ्यूम ही खरीदना है, महंगे वाले परफ्यूम ही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक सस्ता वाला अच्छा सा परफ्यूम खरीद लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ऐसा परफ्यूम आप डेली अप्लाई कीजिए, आप जब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते टाइम। तो हाँ दोस्तों, आप अलग अलग हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग हेयर स्टाइल हमारे लुक को अलग अलग दिखाने में हेल्प करता है।
तो हेयर स्टाइल के वीडियो भी मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा शेयर किए हैं, तो आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आप डेली एक ही हेयर स्टाइल करके हम सब बोर हो जाते हैं, तो अलग अलग हेयर स्टाइल हमें भी अच्छी लगती है और सामने वाले को देखना भी अच्छा लगता है। तो ये वाला स्टेप भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, मेरे आज का लास्ट वाला स्टेप है स्माइल। तो स्माइल आप ऑलवेज़ आपके फेस पे रखें, आपको स्माइल करता देख के सामने वाला भी स्माइल करेगा। आप सबके साथ बात करें, सबके साथ आपकी बात शेयर करें, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है अट्रैक्टिव और प्रीटी दिखने में। तो ये वाला स्टेप भी आप ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है और आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा केकी लगता हो, तो आप ये वाले फ़ोटो पे क्लिक कर सकते हैं। आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे, ये वीडियो आपके फाउंडेशन को फ्लॉलेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका यूज़र नेम भी मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।